Hi people, आज we are going to watch R2F का Dumb Blind Deaf part 2. So please watch it till the end and like the video and subscribe the channel in advance. Let's start the video. और हो सकता है आज कोर्ट में फांसी की सजा सुनाए। अच्छा। ये क्या बात हुई दरोगा साहब, मंडल चोरी करने पे फांसी की सजा? मंडल चोरी करने पे नहीं, तुमने कुछ चोरी चुराया था क्या? नहीं दरोगा साहब, नाजिम तुम भी गलत बोल रहे हो, तुम भी बॉडी रीतिक रोशन की ऐसे साले को तू इसने मेरे कान में दर्द कर रखा है 3 महीने से। अबे तू मुझे क्या पता ऑटो में चौथा पहिया क्यों ना होता है। गाड़ी रोक यार, सिगरेट पीनी है। अबे ये दरोगा फोन पे बात कर रहा है, इस टाइम मौका है, भागने का प्लान बनाओ इस गाड़ी से जल्दी से। हाँ लेकिन इतनी अंधेरी काली रात में गाड़ी चलाएगा कौन? बिल्कुल सही कह रही है, NH 24 से चलो। What? ये बोल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता। की Do you love me? रॉकेट बना दे, रॉकेट मुंबई से पहले मत रोक दिए, डाल गियर। समझ रहे हो आप? अबे क्या पकड़ लिया? नाजिम कार का गेयर डाल यार, मेरा गेयर मत डाले। मैं गेयर डालूं? मैं नहीं खोलूं इसकी फाइल वाइल। ये हमें बातें कर रहा है और ये चलेगा गाड़ी के लिए। ओह, अरे 3 नलायकों ने खून पी रखा है मेरा तो। नलायक लोग। ओके दरोगा साहब, ओके। तुम वापस आ गए, मुंबई जाने वाले थे तुम। अच्छा। अबे यार अंधे को तो उन्होंने गाड़ी चला रहे दी थी बेचारे। जी मुंबई सपनों का शहर। गर्मी क्या सो रही है मरीन ड्राइव पे इतनी आज? अबे इतनी सी दूर गया है, इधर से उधर घूम के वापस आ गया। वापस जा रही ये झाड़ियों में मुझ पाऊंगा, ये रास्ता बताना बढ़िया लगे तरीके। यहाँ की झाड़ियाँ हैं, इधर रोड है, इधर ना इधर ये घनी झाड़ियाँ यहाँ बढ़िया। साहब उधर कोई छिनाला ना होता जंगल में। ये दरोगा साहब कहाँ से आ गए यार? ऊपर से ये पुलिस वाला अपना उधर खड़ा है। सतरी के प्लान है ये पुलिस वाले से बचने के लिए ना। रॉबर्ट 2 मूवी बहुत बढ़िया थी, लेकिन पूरी मूवी में कहीं पे भी मेन एक्टर दिखाई नहीं दिया। रजनीकांत भाषणी का आला मारा मूवी को कॉपी करा जा रही है। आला मारा मूवी फर्स्ट मूवी जिसमें वॉइस नहीं थी, ओनली सा ओनली सीन्स। अच्छा हमको सिखा रिया है, पता होगा लोगों को इसका। तो पानी की टंकी दिखे, कोली है, कोली टोटी कोली है लग जाएगी। ये देखा है टोटी कौन है बे? चूतिया। अब हम चूतिया हो गए बस यार। भौसड़ी के आरो का पानी का पीने लगा एक्सप्रेस वे पे, हम चूतिया हो गए। वसीम तो बार बार गाली ना बकता है, ये कुछ और ही कहना चाह रही है। वसीम गाली नहीं देता। जैन की आवाज तो पीछे से चिल्ला रहा है, आ रहा है देखो। अरे इधर जैन, इधर आ जा इधर। अबे नाजिम दल्ले बोल रहा है दल्ले। भाई साहब ये मैं हूँ, मैं इनसे एड्रेस पूछ रहा था, इनसे बताई नहीं जा रही, आप बता दो। ये भाई साहब ये तो तुमने काले पेपर पर काले पेन से लिख काला दिया। ये वसीम बता दे। वसीम यार कहाँ से आते हैं? आई लव देम। कैसे समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। आप बता दो कैसे वो मैं पढ़ गया। रेड लाइट गंडेली रोड के पीछे। अच्छा रेड लाइट गंडेली रोड। कुछ नहीं भाई साहब, ये भरी मार्केट में से निकल रहे लोग टहल रहे हैं ना, यहाँ पे भीड़ जो है। कहाँ पे लोग टहल रहे हैं दिखाओ तो जरा। मार्केट भाई साहब तुम रहनी दो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे भाई साहब मेरे आगे तो गूगल मैप भी फेल है। अबे नाजिम दलाल 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 ऐसे कैसे बुला रही है? क्लास में ही हूँ मैं। नाजिम दल्ले दल्ले भौसड़ी के इधर ही हूँ। वसीम पकड़िए इसे। कहाँ है नाजिम दलाल दलाल? गवार पीछे खड़ा है तू। थोड़ा सा समझ में नहीं आता क्या इसको? नहीं थोड़ा सा तो फील होता है somebody is here। एड्रेस बोल रहा है, एड्रेस बताओ। नाजिम सही कह रही है वसीम। मेरा कद्दू समझ में आ गया इसकी लैंग्वेज। मेरे सिर में गोली मारी। अरे दादी आखिरी चिट्ठी दादी की। अरे कौन सी दादी? कैसी दादी? क्या समझा दिया वसीम ने? ये पुलिस को दिख गया कोई। चल भाई बता दे अब कहाँ है वो चीज। कौन? अंधे वगैरह गूंगे बताया नहीं वो चीज तो मेरे पास भी नहीं है। वो साहब हुआ ये कि हुआ ये था कि मैं वो चीज चुरा कर भाग रहा था और आप मेरे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते मैं एक दुकान पर रुका और मैंने एक मंडल लिया और वो चीज़ मैंने उस मंडल में छुपा दी और मैं वहाँ से भाग गया। भागते भागते मैंने आपको चकमा दिया और मैं घर में घुस गया। मैं आपको वहाँ पर नहीं मिला और आप वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वापस मैं उस दुकान पर गया। मैंने देखा वहाँ पर वो मंडल था ही नहीं। फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा तो उसने कहा वो मंडल तो एक बुढ़ा ले गया। मैं उस बुढ़े के यहाँ गया तो मैंने देखा आप उस बुढ़े से पूछताछ कर रहे थे। मैंने आपको देखकर वहाँ से भाग गया। इसीलिए मैंने उन तीनों से वो मंडल चुरवाया था। तो मंडल तो फिर तुझे ही मिला ना? वो मंडल को मैं कब मना कर रही हूँ लेकिन वो चीज़ तो मैंने मंडल में रखी थी। कार के पीछे रिश्वत बट रही है। कहाँ बट रही है? पिछले महीने की भी ना मिली। पुलिस वाले को रिश्वत चाहिए। कैसे मुंह में लेगा तू मेरा? अन्ना 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 ये अंधा है। अबे हाँ कैसा अंधा तू? अबे साला एक बार परफेक्ट मारा इनने, एक मिस ना हुआ वसीम। परफेक्ट। चिंता मत करो मेरा निशाना बिल्कुल माथे पे है, बिल्कुल माथे पे है। काबिल से मिल रही थी क्या पार्ट 2? रीतिक रोशन से बढ़िया खेल लिया बहन का लोड़ा। कौन है ये जिसने मेरी जान बचाई? 20 लाख रुपए मैंने बचाई है। छाती पर लगी है उनको। साले ने गांड पे गोली मारी है। हाँ गांड पर लगी है गोली। कितना भर के रैप्टा मारूंगा। जिंदा उसके गोली लगी है। अंधा तू है हम नहीं। मंत्री जी यही है वो जिसने गोली चलवाई है। गिरफ्तार कर लो इसे और इन बच्चों का इंटरव्यू करवाओ। स्वागत है न्यूज़ 25 चैनल में। आज हम आपको ऐसे 3 महान दिग्गजों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की शान नहीं बल्कि मंत्री जी की गांड, मंत्री जी की जान भी बचाई है। नाजिम तुम मुझे बड़े समझदार दिख रहे हो। तुम मुझे बताओ वहाँ का माहौल कैसा था? तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा कि हम तीनों गोवा के बीच पर खड़े थे और मंत्री जी गुच्ची के जूते और डेनिम की पैंट पहने हुए और स्नाइपर पीले कपड़ों में जिंदा सर जैन के मत्थे पे गोली पड़ी है। कुछ बिल्कुल सही नाजिम। एक चीज तूने परफेक्ट बताई। एक चीज विकास की शादी में वाकई में 13 रंग का खाना चला था। पर ये बात तू बहुत गलत बोल लिया कि रसगुल्ला ठंडा था। बुलेट आया था सुतरी के कौन विकास। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो हुआ ये कि सर हम तीनों एक उसमें खड़े थे पार्क में। वहाँ पे स्नाइपर भौसड़ी के इतना मारूंगा ना। इंटरव्यू में बिल्कुल ना बोल लिया। पता ना क्या क्या चल लिया था। ना ना मेरा बर्थडे 12 को। नाजिम चाय पी ले। आ गई। कहाँ है? इसे मत पी इसमें मक्खी गिर गई। इसे फेंक दे कोने में। एकदम कोने में फेंकी है। ऐसे फेंका इंटरव्यू में। सालों आज के बाद तुम्हें देख लिया तो आत्महत्या कर लूंगा और मैं नौकरी छोड़ दिया हूं। ये नौकरी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। नौकरी छोड़ दिया मैंने। ओह माय गॉड ओह माय गॉड। सर एक बात पूछनी थी वैसे। ओह माय गॉड। हाँ पूछ। सर इंटरव्यू तो ऑफिस में ले लेते कम से कम। ये खुले गार्डन में लिया। सालों गार्डन में कार्टर भी ले रहा है। बहुत तरस आ रही है वसीम इंटरव्यू वाले के ऊपर। क्यों? अबे यार कितना बोलने की कोशिश कर रहा था वो अपने मुंह से। लौंडे का एक शब्द ना निकला मुंह से। बतेरा चींका। अरे सुतरी के बहुत चीख रिया है, वो मुंह भर भर के गालियाँ दे रिया है। कौवा टूट गया साले का। क्या नाजिम पप्पू की लौंडिया देने लगी? पहले कभी ना दी उसने। वसीम एक बात तो बता यार, ये इंटरव्यू कौन से चैनल पर आगा अपना, मुझे देखना। कैसे देखेगा, देख तो सकता नहीं ना। अब मिले हो ना तुम तीनों अकेले, चुपचाप बता दो मेरी वो चीज कहाँ है जो मैंने मंडल में छुपाई थी। कौन सी चीज? वो चीज तुम तीनों में से किसी ने चुराई है। मुझे वो मेरी चीज वापस दो। आज भिखारी बन गया ये। मेरी चीज मुझे वापस करो। मैं साले कहाँ से दे मैं तुझे भीख, है ही ना हम पे 1 रुपया ना। ये पता ना ये बड़ा बस क्या है ये डायमंड? तो साले यही तो है वो चीज जो मैंने मंडल में छुपाई थी। 10 करोड़ का हीरा है ये। 10 करोड़ का हीरा? क्या 10 करोड़? तेरी भी तो आवाज निकल गई। मैं ये छोड़ो सालों, कितना चमकदार हीरा है, सफेद है पूरा। वसीम बहुत महंगा बिकेगा। काम कर, 1 रुपया ना दूंगा किसी को। इधर भाग। साला कैसे आ जाता है अचानक से। मेरा कद्दू ले लेगी कोई पुलिस मुझसे ये हीरा। अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे सारे। अब सही डायरेक्शन में ये हाथ पकड़ के भाग, पुलिस वाले हाथ पकड़ के भाग रहे हैं, पागल। सुपर वीडियो यार, आई लव R2F, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Bye bye.